जल्दी कभी खत्म नहीं होती जीते जी, मरते समय भी जल्दी। माँ एक काम करो, मेरे आंखों में काजल लगा दो, मेरे कंघी से मांग निकाल दो। माता बोली सजकर नहीं जाया जाता, नजर लग जाएगी। बोले माँ काला टीका रख दो, नजर नहीं लगेगी। जिस पर माँ का आशीर्वाद हो उसे नजर कौन लगा सकता है। अब जब बेटे माँ से जिद करते हैं, प्यार करते हैं, तो माँ अंदर से खुश होती है, लेकिन बाहर से डराने के लिए आंख बहुत निकालती है। तारा ने सजाया, रोहित चला माँ के गोदी में लेट गया। बोले माँ तेरी गोदी में सोने का मन कर रहा है। माँ बोली जब मैं तरसती रहती तब तो मेरी गोदी में नहीं बैठता है ना लेटता है, अब जब जल्दी है तो तू गोदी में लेटेगा, जा। रोहित माताजी माँ के गलवैया करने लगा, पुचकारने लगा, और बेटा रोहित चला माँ की ओर देखने लगता, फिर खड़ा होता, फिर जाता, फिर खड़ा हो जाता। अब माँ को क्या मालूम है कि मेरी जिंदगी में डकैती पड़ने वाली, आज के बाद ये बेटा मुझे कौन देखेगा, कौन आएगा। रोहित जब चला डलिया लेकर, तो वही विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं माने, सर्प का रूप धारण कर लिया, फूल में बैठ गए। रोहित इधर माँ को प्यार करके डलिया लेकर जा रहा है। बच्चों से निवेदन है थोड़ा बच्चे बैठाए जाए, शांति बनवाई जाए। मात की बात न में खुश हो जाएंगे, मैया के पास जाऊंगा मैया प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन विधि का विधान क्या था, ये किसी होनी को कोई टाल नहीं सकता। बेटन दियो हाथ बढ़ाई, काले किस करने लो खाई की बेटा गिर पड़ो। बेटा मैया कही बोलो गिरो आज लेकर के चुन चुन कर फूड तोड़ने लगा, काले नाग ने भगवत प्रेमियों डस लिया। रोहित के बाड़ी से आवाज आई, हाय मैया। विद्वान समाज है, दुख में दो ही शब्द माताओं बहनों आते हैं, मैया या फिर दैया। माँ से ज्यादा दादी माँ बच्चे को चाहती है, हाय मैया। पिताजी कितना लाड़ करें, प्यार करें, लेकिन जब बालक की चोट लगती है ना तो हाय मैया, उसे माँ की याद आती है। बेटी ससुराल में हो उसे कितना कोई प्यार करे चाहे, लेकिन हाय मैया मेरी माँ को बुला दो, उसे माँ के बिना एक पल नहीं चैन पड़ता। बेटा को बुखार आ जाए, परदेश में पढ़ने जाए, उसे कोई भी चोट लग जाए, हाय मैया। कोई भी अगर खबर देगा तो कहेगा हाय मैया मैया कह रहा है। एक बच्चे के दर्द को माँ जानती है। रोहित को जब काले नाग ने डसा तो रोहित जमीन पर गिरा, बोला हाय माँ मुझे बचा लो, मेरे नाग ने डस लिया। बड़ी देर हो गई, रोहित के जहर का नशा विद्वान समाज है, बुजुर्ग है, सब छाने लगा माताओं, तो रोहित को नींद आने लगी। कहते हैं कि काल के गाल में जो जाता है वो कभी बचता नहीं। रोहित को जब काले नाग ने डसा तो मूर्छा आई, नाक से खून की झाग निकल पड़ी। रोहित हाय माँ जमीन पर बेहोश हो गया, नींद छाने लगी।
उठने का प्रयास करता रोहित फिर ज्यों का त्यों लेट जाता है। जब बहुत गहरी नींद आने लगी तो रोहित बोला, काशी के लोगों मेरी माँ को बुला दो, कोई अगर बच्चे का दर्द चाहता हो तो उस मैया को अपने छैया से मिला दो, बहुत परोपकार होगा, मेरी माँ से कह दो। रोहित बोला है, काशी के लोगों मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है, मेरे आंखों की रोशनी जा रही है, यदि आल मेरी मैया पूछे, काशी के लोगों नहीं तो मेरी माँ का अकेला हूँ, माँ समझती रहेगी, देखती कि रास्ता देखेगी, उसे नहीं मालूम मेरा फूल मुरझा गया है, इसलिए काशी के लोगों इतना मदद कर देना है। यदि आल मेरी जननी पूछे तो मुरझाया फूल के चले जाना, समझ जाएगी। यदि हाल मेरी मैया पूछे मुरझाया फूल इतने पर यदि वो ना समझे तो चलता काशी हाय मैया हाय मैया। लेकिन जब कहते वक्त खराब होता है, समय जब अपना ही रूठ जाता है तो कौन किसी का होता है। महाराज उसी समय ब्राह्मण ने आवाज लगाई, काशी के लोगों किसी का बेटा मैया मैया कहके रो रहा है, काले नाग ने डसा, क्या इसकी माँ को चिंता नहीं है। तारा ने आवाज को सुना, तारा भाग खड़ी हुई। ब्राह्मण कहने लगे, तारा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। ब्राह्मण देव, मेरे बेटा को काले नाग ने डस लिया है, ये आत्मा नहीं मेरा विश्वास है, मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है वहां, मुझे भेज दो ना। ब्राह्मण बोले, मैंने तुझे पैसों से खरीदा है, मैंने तुझे धन से खरीदा है, मेरे घर में पहले भोजन बना, जल भर के रख, बर्तनों को साफ करके रखो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इसके बाद बेटा को देखने जाओ, और ज्यादा रो नहीं, भोजन बनाते समय एक आंसू नहीं गिरना चाहिए, बच्चे की याद तक नहीं आनी चाहिए, मेरे घर में ठाकुर का भोग लगता है, भगवान नाराज हो जाएंगे। अब माताओं बहनों आप अंदाजा लगाओ, बच्चे के चोट लग जाए तो माँ 10-10 दिन रोटी नहीं बनाती,
माँ दस दस बीस बीस दिन अपने बालों में कंघा नहीं डालती। मैंने ऐसी ऐसी माँ को देखा है, बेटी या बेटा को कुछ हो जाए या एक्सीडेंट में चोट लग जाए तो माता न जाने कितने भगवान का प्रसाद मानती है, नींद भर कभी सोती नहीं, रात दिन रोते रोके एक कर देती है। दस दस बीस बीस दिन बालों में कंघी नहीं डालती है, दस दस बीस बीस दिन वो श्रृंगार नहीं करती, मांग नहीं भरती है। कोई समझाए तो वो कहती है किसके लिए सजना, मेरा बेटा चार पाई पर लेटा है, मेरे घर में मुसीबत है, मुझे कैसे ये सब अच्छा लगे। रोटियां छुपा छुपा के रख देती है और जिसका एक कुल का दीपक बुझ रहा हो वो माँ को कैसे भला भोजन बन रहा होगा। ये कहते हैं समय, ये बक बड़ा बलवान है, समय की किसी जगह पर कुछ भी करवा सकता है, किसी को कहीं भी झुका सकता है। आज तारा भोजन बना रही है, अंदाजा लगा उस माँ ने कैसे रोटियां बनाई होगी, उस माँ तारा से कैसे झाड़ू लग रही होगी। बेटे के चोट लग जाए माँ रात दिन एक कर देती है, वो माँ आज भोजन, वो माँ आज रोने से मजबूर है। समय ही हसाए, समय समय हसाता भी है, समय ही हसाए, समय ही रुलाए और समय रूठ जाए, ये जग रूठ जाए। समय ही समय को समय से मिलाए, समय रूठ जाए ये जग रूठ जाए, समय रूठ जाए ये जग रूठ जाए। जब समय अपना रूठता है तो भक्त को रूठने में समय नहीं महाराज लगता है। संसार में अपने खास लोग दुनिया की बात करते, दुनिया की कौन बात की जाए, ये समय कुछ भी करवा सकता है। आज महाराज भक्त की तो सारी बातें होती हैं, भक्त आने पर कोई चूकता नहीं है कहने में, कोई छोड़ता नहीं है, समय रूठने पर कोई अपना नहीं होता, कोई होता है तो भगवान। तारा ने सब काम किया, इसके बाद खड़ी हो गई ब्राह्मण देव, अब चली जाऊं ना, तो बोले ठीक है जा, देख मर गया होगा लहस न सड़ जाए। तारा बोली ब्राह्मण क्या कहते हो आप, कुल का दीपक है ना, ऐसी भावना मत रखो। तारा भाग दौड़ कर जैसे आज भाग खड़ी हुई है उस बगिया के पास पहुंची है, आवाज लगाई है, लाला रोहित रोहितास बेटा बेटा रोहित आंखें खोलो, मुख से बोलो भैया तुम नींद में सो तो नहीं गए हो, माँ को बुलाते बुलाते रोहित कुछ तो बोलो। जैसे रोहित के कानों में आवाज पड़ी, रोहित एकदम तड़फड़ाने लगा, उठना चाह उठ नहीं पाया। अब रो करके बोला मैं अगर चिड़िया पक्षी कागा होता तो सीने से अब तक लिपट जाता, कोई दिल की बात कह लेता, लेकिन अब तो मैं मजबूर हूँ, मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है। जैसे माँ के कानों में दर्द भरी आवाज धीरी धीरे धीमी सी हल्की आवाज, बेटे कहते हैं दर्द की आवाज अलग होती है, सुख की आवाज अलग होती है। माँ हर आवाज से परफेक्ट महाराज हुआ करती है, माँ हर आवाज को जानती है, इसीलिए तो माँ कहते हैं माँ का दर्जा कौन ले सकता। रोहित की रोने की आवाज दर्दनाक आवाज सुनकर तारा झाड़ियों में जबरदस्ती रोती बिलकती पहुंच गई, कहीं झाड़ियों में साड़ी फंस जाती, कहीं शरीर में कांटा चुभता। माँ ने बेटे के लिए कुछ अपनी काया की ओर न मुड़ के देखा, और जब बगिया में देखा तो बेटा चारों चित हाथ पैर पसारे पड़ा है, बस माँ का कलेजा कांप गया, माँ का कलेजा कांप गया। बोले रोहितास ऐसे तो एक बार सोया जाता हो, ऐसे तो मुझे सोना चाहिए, तुम ऐसे क्यों लेते हो। चारों चित रोहित हाथ पैर पसारे बेहोश पड़ा है। माँ माँ जैसे तारा ने कहा भैया रोहितास लाल आंखें खोलो ना, तो रोहित बोला माँ
मेरी प्यारी मैया तू आ गई है का? बोले हाँ लाला, उठ करके खड़े हो जाओ। तारा बोले, रोहित ने कहा माँ कभी नहीं तेरा बेटा खड़ा हो पाएगा, बहुत देर से तेरे इंतजार कर रहा था, तेरे इंतजार में न जाने क्यों प्राण नहीं निकले, बाकी अब कुछ बचा नहीं है। माता ने गोदी में जैसे बेटा को लिटाया तो रोहित का स्वभाव था, बेटा रोहित ने अपने मैया का मुख अपने मुख से लगाया, माँ की कलाई पकड़ के बार बार सीने से लगाने लगा, बार बार माँ की ओर आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा। माँ ने कहा बेटा मुस्कराओ। अब बेटा कहाँ से मुस्कराए, कौन मुस्कराए, बेटा रोहित के आंख में आंसू आ गए। बोले माँ, माता से नमस्ते कह देना, पिताजी से नमस्ते कह देना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा कर देना माता पिता। और यही बाड़ी कहते कहते बेटा रोहित को नींद आ गई। जब माँ को नींद आ, रोहित को नींद आई तो माता ने ये सोचा कि मेरा बेटा थक गया है इसलिए ये सो गया है। कहते हैं भरी जवानी में माँ के जीते जी, जब जवान बेटा जाता है तो माँ को सोचने समझने का परिवार का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। बड़ी देर हो गई, माँ ने कहा रोहित चलूं, मुख में उंगली डाली तो मुख दाती बंद है, आंख के पलक खोले ज्यों के त्यों शरीर ठंडा पड़ गया। माँ बार बार बुलाने लगी, हिलाने लगी, सीने से चिपकाने लगी, रोहित भैया थोड़ा सा खड़े हो जाओ, चलो ना। जब माँ ने देखा कि अब तो कोई अंग नहीं काम कर रहे, तब माँ को ज्ञान हुआ कि मेरा बेटा अब नहीं है। माँ ने अपना सर जमीन पर पटक दिया, लहस गोदी में पड़ी है मैया, बेहोश जमीन पर बाल बिखराए पड़ी है तारा। बगिया में माँ बेटे के अलावा तीसरा कोई समझाने वाला ना समझने वाला नहीं रहा। माँ ने कहा रोहितास कुछ तो बोलो, अब बोले तो बोले कौन, बोलने वाला तो हर हमेशा के लिए उड़ गए। माँ कहने लगी रोहित अब मेरे साथ लेटेगा कौन, ये माँ की तरफ करवट कौन बदलेगा, रात में जब आँख खुलेगी तो ये बाहर किसके ऊपर जाएगी। बेटा रोहितास कुछ तो माँ को समझाओ, कुछ तो बोलो, अब कौन बोले। तो माँ रो के बोली क्या बेटा मेरी गोदी से। एक बेटे जाने का दर्द, एक बेटा खोने का दर्द, उस माँ से पूछो जिस मैया ने अपने कोख से अपने बेटा को खोया हो। एक औलाद का दर्द, उस माँ से पूछो जिस माँ के होते हुए दीपक बुझा होगा। एक बेटे का दर्द, उस बाप से पूछो जिस बाप ने अपने बेटे को पाल पोस कर सामने अर्थी गई होगी। लेकिन माँ से ज्यादा किसको दुख हो सकता है। बेटा मेरी गोदी से जाना है।
कुछ तो समझा देना, जाने वाले कुछ तो कह के जा। तू तो कह रहा था माँ तेरी अर्थी में मैं बाहर लगाऊंगा, तेरी अर्थी लेकर जाऊंगा, लेकिन तू अर्थी में लेट कर जा रहा। आज मेरे जीवन में कैसा हुआ कौड़ी भी नहीं। तुम्हें जाना ही था तो जन्म में चले जाते, आज क्यों जा रहे हो? तुम्हें जब रहना ही नहीं था तो मुझे ये भोली सी सूरत क्यों दिखाई? परमात्मा क्या बुरा किया मैंने, किसका क्या बिगाड़ा? दर्द माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, उस परिवार से पूछो जिसके माता पिता दोनों जिंदा बैठे हैं, बेटा की अर्थी जा रही है, वो बाप देख रहा उसे देखा नहीं जा रहा। माँ तड़प रही है, बहन रो रही है, भैया अर्थी में हाथ लगा के जा रहा, वो भैया से पूछो जिसकी जोड़ी फूटी होगी। उन माँ बाप के जीवन से लग के पूछो जिनका हरा भरा परिवार तो है, धन है, लेकिन घर की बहू की अर्थी जा रही है। घर में सास जिंदा, ससुर जिंदा, बहू जा रही है, परिवार बिखर रहा, क्या उंगली डालकर प्राण दिए जा सकते? नहीं। अगर प्राण निकालने वाली चीज हो तो कोई दुनिया में ये दुख न भोगे, सब चले जाए, लेकिन जिसके जीवन में जब लिखा है वो भोगना पड़ेगा। तारा बोली, रोहित ये अच्छा नहीं किया तुमने, सुनो मेरे पास नहीं कौड़ी, मैं कैसे कफन लाऊं? आज मेरे जीवन में कैसा किया भरी हो।
यही है कम, उसी भक्ति कहाँ थे हम जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहाँ तुम चले। जल्दी से छुड़ा कर सार, जल्दी से आए दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के सार कहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश जन्मते चले जाते, कफन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जन्मते ही जाते हरे हरे बांस नहीं काटने की आवश्यकता पड़ती। आज रोहित तुम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो कुछ तो बोलो। कौन बोले? माता रोते रोते बेहोश हो गई। ब्राह्मण बोले क्या लहस को सड़ाओगी, इसे लेकर के जाओ जो